क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग जो है तैनात है, यहाँ बजरंग बली तैयार है, कोई नहीं रोकेगा। और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, पलके बिछा कर लोग इंतजार उनका कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। स्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर उनके समर्थकों का, उनके भक्तों का यहाँ पर हुजूम लगने लग गया है, क्योंकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ये एग्जिट गेट है पटना एयरपोर्ट का और यहीं पर बाबा बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। भव्य कार्यक्रम, भव्य हनुमंत कथा 13 से 17 तक होनी है। ये बाबा कितनी देर में आ रहे हैं? बाबा 5 से 10 मिनट में बाबा के यहाँ पर आगमन हो रहा है। बिल्कुल, क्या माहौल है, खुशी का कैसा माहौल? इतना बेहतरीन है कि लगता है पूरा बिहार एकदम सनातन से मग्न हो जाएगा। विरोध करने वाले बस करते रह जाएंगे। विरोध जो लोग कह रहे थे एयरपोर्ट पर रोक देंगे, उनका क्या होगा? अरे उनके औकात है, उनके औकात है, उन्हीं का औकात तो दिखाने आए हैं। कैसा लग रहा है महाराज जी आ रहे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोगों जिसको भी आना है, ओपन चैलेंज है, हम लोग धरातल जमीन पा चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एकर अपने घरवा में पूछ नहीं है, ओकरा बाहर में कोई पूछता है जी? मेहरारू छोड़ के भाग गई, कोई है उसका घरवा में पूछ है? सनातन धर्म को कोई रोक नहीं सकता। बड़ा बेटा था, ओकर राज्य अभिषेक होना चाहिए। सरकार की बोल रहे हैं, बाबा को रोकने का किसी का औकात ही नहीं है, किसी का नहीं। तो बोल रहा था कि बाबा को हम एयरपोर्ट पर रोक देंगे, उनका क्या होगा? कितने को एयरपोर्ट पर रोकेगा? एयरपोर्ट पे खड़ा है, रोक के दिखा दे कोई। बाबा को रोक के दिखा दे, हम लोग आ चुके हैं बाबा को। लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, क्योंकि जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और थोड़ी देर में उनका आगमन होगा, क्योंकि उन्होंने जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही दे दी थी। और जैसे ही जानकारी कुमार शास्त्री की, राम जबल या धीरेन्द्र कुमार शास्त्री उपाध्याय, तो जैसे ही लोगों को जानकारी मिली यहाँ पर तमाम लोग जो है उनके समर्थक पहुँचने लगे और हुजूम लगने लगा है यहाँ पर, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पहली बार पटना आ रहे हैं और देख सकते हैं समर्थकों का किस तरीके से तांता लगा है। वो थोड़ी देर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज निकलने वाले हैं। तमाम लोग टकटकी लगाकर उधर निगाहें गड़ाकर एयरपोर्ट की तरफ बैठने लगा यहाँ पर खड़े हैं कि अभी हमारे पीठाधीश्वर, हमारे हिंदू सनातन के प्रचारक ध्वजवाहक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आने वाले हैं। उधर एक बार एयरपोर्ट की तरफ जूम करके दिखाइए, बस थोड़ा सा ही इंतजार में यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पहुँचने वाले हैं। भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सीताराम सीताराम। भैया अच्छा लग रहा है, तभी तारापुर से आए हैं, तारापुर विधानसभा संग्रामपुर प्रखंड दुर्मट्टा पंचायत अंतर्गत। भैया बहुत लोग कह रहे थे हमारी सेना तैयार है रोकने के, कोई सुना नहीं है। सब लोग सनातन धर्म को, सारा लोग सनातन धर्म के साथ है। यहाँ बजरंग बली खड़ा है, यहाँ बजरंग बली के सामने कोई, जय जय श्री राम, यहाँ बजरंग बली तैयार है, कोई नहीं रोकेगा। बली के आगे कोई जीतता है जो, बजरंग बली के आगे कोई टिकेगा? आइए ना कवर के रख देंगे जो आएगा। मंदिर बनने से कोई नहीं रोका तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोकेगा। बस महाराज जी, बस थोड़ी देर में हर गाड़ियों में इंतजार हो रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं सब में उनके चाहने वाले, उनके भक्त यही अरमान लगा रहे हैं कि महाराज जी का बस आगमन होगा और लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। इस वक्त पटना एयरपोर्ट के बाहर जो है लोगों का हुजूम लगा हुआ है, मजमा लगा है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर नौबतपुर में कथा करने के लिए 13 से 17 के बीच में पधार रहे हैं और ये पहली मर्तबा, पहला आगमन है उनका यहाँ पर, इसलिए तमाम लोगों में खुशी का माहौल है। पुलिस प्रशासन की चुस्त दुरुस्त मुस्तैद व्यवस्था उधर दिखाई। देखिए बागेश्वर धाम सरकार यहाँ से निकलते हुए हमको लग रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का हुजूम लगा, लग रहा है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। देखिए बस कुछ ही पलों में यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का महाराज का आगमन होने वाला है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त मुस्तैद हो चुकी है और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। बल्कि
प्रचार उनका कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग जो है तैनात है। देखिए पागलों तैयारी करो, जय श्री राम, जय श्री राम के नारों से ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की ये गाड़ी आप देख सकते हैं। ये देखिए मजमा पूरा लग गया है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आगे फॉर्चुनर में जाते हुए तमाम उनके समर्थकों का हुजूम यहाँ पर उमड़ चुका है और लोगों के अंदर खुशी का माहौल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो है यहाँ से गुजरने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम समर्थक मीडिया कर्मी, इसके बाद ये गाड़ियों का लंबा सा काफिला